जिस फिल्म में हिंदुस्तानियों के संगीत प्रेमियों ने और फिल्मों के चाहने वालों ने आशा पारेख को पहली बार देखा, वो फिल्म थी दिल दे के देखो। इसी फिल्म के द्वारा संगीतकारा उषा खन्ना को भी अपने जीवन काल में पहली फिल्म को संगीत देने का मौका मिला। सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक संगीतकारा ने इतना ब्यूटीफुल और इतना लाजवाब मेलोडियस संगीत दिया है। नासिर हुसैन इस फिल्म में अजीत को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ डेट मैनेज नहीं हुई और फिल्म के हीरो बने शम्मी कपूर साहब। रफ़ी साहब की गायकी में ये गीत इतना सॉफ्ट सुनाई देता है कि हमारे दिलों पर गुंजन करता हुआ नज़र आता है। एक सॉफ्ट सॉन्ग इतना प्यारा हो सकता है मानो मयूर पंख गालों पर गुदगुदी कर रहा हो जैसे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। और बताने जैसी बात ये भी है कि ये गीत सुबह की पहली किरण के साथ में फिल्माया गया है। ओवरऑल देखने और सुनने के लिए बड़ा ही लाजवाब गीत है ये। तुरंत सुनते हैं फिल्म दिल देके देखो। क्या नशा नशा सा है।